जय माता दी। जय माता दी। मंदिर माता जी रानी का बाग मॉडल टाउन है। इत्थे माता जी साक्षात भगवती का स्वरूप है, माँ चिंतपुर्णी का स्वरूप। महारानी के दरबार से मेले लगे रहते हैं और संगत बड़िया धूमधाम इतने आदि हैं। ये मंदिर जड़ा माता जी ने पहले तो छोटा जहा मंदिर से, फिर इनू रेनोवेट किया 1987 जाके। ये मंदिर उदों का उन्होंने कृपा के नाल मूर्तियां जी स्थापना हुई है। माता जी ने बड़िया मूर्तियां लवाई हैं, उपर बद्री विशाल का मंदिर बनवाया और माता जी ने महारानी भगवती वैष्णो देवी की गुफा है, जिन्हों की मनोकामना भगवत जोड़े बंदे नहीं जा सकते उ वैष्णो देवी दरबार से, उन्होंने सारे दिया मनोकामना इतने पूर्ण होंगी। ये माता जी का हुक्म से, उन्होंने भगवती माँ ने कहा कि जोड़ी संगत साढ़े को नहीं आ सकती, तुम इतने उन्होंने माँ महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती उन्होंने मंदिर तैयार करवाओ। तो फिर माता जी ने मंदिर तैयार करवाया। अंदर माता जी के दरबार के सारा दिन सत्संग चलता रहता है, वो भंडारा चलता है उन्हों का। और ये माता जी है साढ़े इधर पाकिस्तान कसूर तो आए है और उस तो बाद इन्होंने इतने रहे से, वो भी संगत के कहन के उत्ते अपूर्ण ब्रह्मचारी है और इन्होंने सारी उम्र फुलार रखी है। उन्होंने कुछ अन्न का भोग नहीं लाया, अन्न का उन्होंने स्वाद भी नहीं पता अन्न चीज़ की हो, बस थोड़ा जहा फूल मखाने ले लें और एक अद्धा कप या गिलास दुध का लैके वो निर्वाह करते रहे, भजन करते सी। सारी संगत में भी यही उन्हों की एडवाइस भी भजन करो, महाराणी का भजन करो, वो आप भी भजन जो कह रहा ना सो सच हों, अटल चीज़। और माता जी बहुता संगत के नाल उन्होंने रह के खुश होंगे, संगत नाल उन्होंने अपने माता जी के नाल ही फिर कथा भी करते सी। मतलब देखो ऐसी गल उन्होंने सी भी एक क्लास भी नहीं पढ़े पर लिख सब कुछ लेंदे, हिंदी दी गल लिख लेना, ग्रंथ पढ़ लेने, उन्होंने अर्थ कर देने सारिया नूं संगत नूं दसना। तो पाकिस्तान चो आए हैं माता जी कृपा करन, हुण ते महाराणी अपना चोला भी छड गए हैं, चले गए हैं तो संसार चो, पर उन्हां दी शक्ति उन्हां दी जिहड़ा सारी संगत नूं अजे भी बहुत भरोसा है, अजे भी संगत दी मनोकामना पूर्ण होती है। माता जी अजे भी उन्होंने हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी इत्थे लगती है, हज़ारों के तादाद लोग आते हैं और जो जिन्हें सुखना अपन रखते हैं खड़ी खड़ी सर सारी रात खड़े रहते हैं उन्होंने हाजरी में, माता जी की हाजरी। थोड़ा मैं लोहड़ी के बारे दसो कि हमने जी मैं लोहड़ी निकली है, लोहड़ी से मैं कल आया से आप मत्था टेक जो पहली बार से उतो सिक्का देंगे दे। कि अंकल क्यों वैसे सिक्का क्यों देंगे दे? सिक्का देखो महापुरुषों का गुण कोई चीज़ दे देनी है, वो सिक्का इस पिछे माता जी ने परंपरा रखी सी भी ये सिक्का तुम अपने खजाने च रखो, इनू मतलब तुहानू भगवती माँ वाधा पाए। इस पिछे हर एक नू सारी संगत नू कल सवेर तो लैके शाम तक कुछ ना कुछ उन्होंने पैसे दिते जाते हैं ताकि महारानी वाधा पाए। ये बड़ी देर तो चलिया आ रहा उन्होंने टाइम को, उस तरह ही असी सारे मिल जुल के सारे भी संगत माता जी का जो पूरने पा गए उन्होंने निभा रहे हैं। माता जी का जन्मदिन आ रहा है, उन्होंने जन्मदिन 21 फरवरी होता है, फगन की 10 तरीक फरवरी 21, तो उन्होंने जन्मदिन बड़ा धूमधाम लखा के हिसाब से लोग आते माता जी के दरबार के, और देश विदेश तो आते हैं सारे। एक दिन पहला जागरण होता है इतों दिल्लियों और जितों भी बच्चे माता जी का भजन करने वास्ते आते हैं। हाँ तुसी हुण जाके माता जी दे जो भी है उन्होंने जो जिहड़ियां सारियां माता जी ने मूर्तियां लवाईयां हैं देखो, माता जी का लाओ बाकी दिखाओ सारा, उपर भी माता जी दे वैष्णो देवी है उत्थे दिखा सारी अपनी स्नैप्स वगैरह ले लो। परम पूज्य माता लाल देवी के मंदिर में एंट्री करने का मेन गेट है, इस पर लिखा हुआ है सिद्ध शक्ति पीठ। हाँ जी
सिद्ध शक्तिपीठ का मतलब क्या होता है, जिस जगह भगवती के कोई चिन्ह गिरे हों उसको सिद्ध शक्तिपीठ बोला जाता है। तो चिन्ह यहाँ पर तो नहीं गिरे थे, चिन्ह तो हिमाचल प्रदेश में गिरे थे चिंतपूर्णी के, पर अपनी परम पूज्य माता लाल देवी साक्षात चिंतपूर्णी का प्रवेश है, इसलिए इसको सिद्ध शक्तिपीठ बोला जाता है इस मंदिर को। पूज्य माता लाल देवी वैष्णो देवी गुफा, गुफा की क्या महत्व, जैसे कोई भी सपना किसी की वैष्णो देवी की हो, हाँ जी, माता जी ने ये बनवा दी है यहाँ पे, जो वहाँ नहीं जा सकता वो यहाँ मत्था टेक ले, यहाँ वेट चढ़ा दे, उसकी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाएगी, यहाँ ही उसकी सपना पूरी हो जाएगी। अभी कैमरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ गुफा, लेके चलते हैं आपको गुफा की तरफ। पंडित जी हमारे साथ में आ रहे हैं, ये जाने का रास्ता, ये जाने का रास्ता है गुफा में। ये बाल्मीकि जी लव कुश को शिक्षा ग्रहण कराते हुए, ये चरण पाद का, हाँ जी गुफा, यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। हाँ जी जाइए आप अंदर, बिल्कुल बिल्कुल अंदर चलिए। देख रहे हैं आप गुफा, यहाँ पे आपको थोड़ा झुक के आना पड़ेगा अंदर। ये गर्भजून जी, गर्भजून से जब आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे पंडित जी आगे लेके जा रहे हैं हमें। माँ सरस्वती जी का मंदिर, जय माता। महात्मा बुद्ध जी लेटे हुए महाराज जी, बहेलिए द्वारा श्री कृष्ण भगवान ने तीर मारा था महाराज जी। पूरा मंदिर बना रहे हैं इस वीडियो के, ये महाराज जी शेर गुफा है, शेर के मुंह में है, इसको शेयर कर दीजिए। माता जी के जय माता दी। ये महाराज केवट चरण पखार रहा है भगवान श्री राम के, जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था उस समय जी। विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी, अहिल्या जी के जब चरण लगते ही पत्थर की थी ना अहिल्या, हाँ जी, तो चरण लगते ही स्त्री बन गई थी महाराज, वो अहिल्या है। प्रॉपर गुफा टाइप बनाया हुआ है। हाँ जी महाराज जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं जी। जय माता दी। ये राम जी सोने का अमृत का वध करने के लिए सीता जी के आग्रह करने पर, ये सोने का अमृत है शिकार करने के लिए। ये रामेश्वर की पूजा करते हुए महाराज जब उस पर लंका के लिए जाने के लिए पुल बांध रहे समुद्र पे, उस समय पूजा कर रहे रामेश्वर भगवान श्री राम। ये राम दरबार, ये गुफा में एंट्री कर दो महाराज जी। क्या बात है, ये महाराज माँ जानकी
अशोक वाटिका में बैठी हुई रावण के यहाँ, काफी रियलिस्टिक बनाई हुई है गुफाएं। हाँ जी, ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये लव कुश ने घोड़ा पकड़ा था अश्वमेध यज्ञ का, श्री राम जी का। हाँ जी, क्या बात है। भगवान वाल्मीकि शिक्षा देते हुए महाराज जी, इतनी अच्छी लव कुश के लिए बनी हुई है। हनुमान जी समाधि स्थल में महाराज जी, किस कंधा पे शंकर जी से जटा से उत्पन्न हुई थी महाराज गंगा, ये वो जगह है। ये कृष्ण भगवान लेर के बंसरी बजा रहे हैं महाराज जी। ये मगरमच्छ के मुंह से बाहर आ गए गुफा से। एक उदयपुर राजस्थान में है एक शिवलिंग, इसके अगर बगर कुछ नहीं होता है। अच्छा जी। हाँ जी, इसकी विशेष पूजा है। ये परम पूज्य माता लाल देवी जी का सिंहासन है। ये बगलामुखी माता जी, ये श्री बालाजी धाम। बेटा ये थोड़ा साइड दीजिए। ये महात्मा बुद्ध जी तपस्या में लीन। ये जगन्नाथपुरी उड़ीसा। अब हम आपको वो चीज बताएंगे जब देवताओं की पंचायत हुई थी, जिस समय ये महाराज जी ने, जगन्नाथ महाराज जी ने जगन्नाथपुरी को बसाया था, समुद्र ने उजाड़ दिया था, उस समय सारे देवताओं की पंचायत हुई थी। इधर देखो बद्रीनाथ धाम है, इधर आ जा। ये भाई इसका हल क्या होगा, हल निकालने के लिए। ये बद्रीनाथ धाम है और बेरी का वृक्ष है, इसके नीचे बैठकर सारे देवताओं ने पंचायत की थी महाराज जी। ये बांके बिहारी वृंदावन धाम। ये झांकियां हैं राधा कृष्ण की, विष्णु भगवान की, शंकर पार्वती जी की, शेरा वाली माँ भगवती। ये शंकराचार्य जी तपस्या में लीन, ये उनके सीताराम जी। महाराज जी ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, केवल पुष्कर राज राजस्थान में है ये मंदिर। अच्छा, और कहीं नहीं पूरे इंडिया में। अच्छा जी, एक परम पूज्य माता लाल देवी की कृपा थी जो उन्होंने यहाँ पधार दिया इनको, ब्रह्मा जी की, क्योंकि ब्रह्मा जी पूजा से निषेध रहते हैं। इनकी पूजा ओमकार शब्द में होती है, ओम शब्द में तीनों व्याप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी में लोक में पूजा हो जाती है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती नदी है ना, ऐसे ही ये लुप्त होते हैं ब्रह्मा जी। कहीं मंदिर नहीं है इनका, पुष्कर राज राजस्थान में न मंदिर है। एक परम पूज्य माता लाल देवी कृपा हुई, उन्होंने यहाँ स्थापना करा दी इनकी। आओ जी महाराज, कुछ देखने को मिल रहा है, सीखने को कितना कुछ मिल रहा है। महाराज जी ये 12 ज्योतिषलिंग है, 12 ज्योतिषलिंग शिवलिंग। हाँ जी, इनको ज्योतिषलिंग बोला जाता है। एक बार ऐसा हुआ, शंकर भगवान कैलाश पर्वत से आ रहे थे। अच्छा, और कैलाश पर्वत से उतरते समय में, और वो हर एक बंदा ऐसे समझता है कि मैंने श्रृंगार कर लिया तो मेरे जैसा कोई नहीं है स्मार्ट दुनिया में, ऐसे शंकर भगवान समझ रहे थे। सामने से सप्त ऋषि आ रहे थे, उनके साथ में उनकी रानियां थी। उनको देखकर शंकर भगवान मोहित हो गए स्त्रियों को देख करके। तो देव ऋषि कहने लगे कि महाराज परिवार की मर्यादाएँ होती हैं, मैं समझ लो मैं त्रिलोक का श्रृंगार करता पालन करता मैं हूँ, मैं चाहूँ तो श्रृंगार कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो पालन कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं,
मैं महाराज वो सब कुछ है, पर परिवार की मर्यादाएं हैं। हमारी जनानी को सामने तुम नग्न अवस्था में आ रहे हो, तो उसने देखा उसकी बागम्बर खुल गई थी और ऋषि ने कमंडल से पानी निकाला और उसके लिंग में मार दिया, जा तेरा लिंग पतित हो जा। शंकर भगवान का खूब क्षमा अर्चना की ऋषियों से, लेकिन उसका लिंग डिग पड़ा। डिगते ही उसने 4,008 शाखाओं में फेंक दिया। ये 12 ज्योतिष नाम से शुरू हो गया। इसको महाराज साहब ब्रह्मा जी से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने सारे देवता बुलाए और लिंगों को एकत्रित करके और कहा, महाराज वेद मंत्रों से माँ भगवती की आराधना की, वो योनि रूप में आई, उनकी योनि रूप में भगवान शिवलिंग का लिंग रखा और स्थापित किया, जो आज 12 ज्योतिष लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। सारे के सारे यहाँ पे इन्होंने लिंग बनाए हैं ऐसे। तो हिस्ट्री देख सकते हो आप। ये तारा भवानी है महाराज जी, जो तारा भवानी का जगराते में पाठ किया जाता है, सब जानते हैं महाराज जी आप लोग। ये कैलाश पर्वत तो शंकर भगवान तपस्या में लीन है महाराज। ये कैलाश पर्वत है। लड्डू गोपाल मथुरा वृंदावन, मीनाक्षी देवी तमिलनाडु और जगन्नाथपुरी उड़ीसा, यहाँ सबकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये रंगम जी कर्नाटक लेटे हुए, ये सारे देवता जी महाराज जगन्नाथपुरी, ये माँ चिंतपूर्णी, केदारनाथ धाम, रामेश्वर धाम, चार धामों की यात्रा है महाराज जी। सारे इंडिया के दर्शन करवा दिए पंडित जी आपने। 33 करोड़ देव देवता तो नहीं है, पर यहाँ महाराज कोई देवता रहा भी नहीं है, सारे देवता यहाँ पे आ रहे हैं। ध्यान से अब हम चलेंगे वैष्णो और गोपाल के दर्शन। गुफा आ गई है। जय 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 माता। महाराज जी जब दुष्टों का संहार किया था माँ भगवती ने, हाँ जी, तो उनके शरीर में खरोंच आ गई थी। खरोंच आने के कारण माँ भगवती के लिए घी का लेपन किया था, जो आज घी का श्रृंगार हो रहा है माँ भगवती का। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों का योग बनता है तब वैष्णो देवी बनती है। परम पूज्य माता लाल देवी साक्षात कलयुग में देवी की अवतार, घी का श्रृंगार है इनका। ये घी का श्रृंगार है महाराज पंडियों का और एक महीना चलेगा महाराज जी ये श्रृंगार। तेरा पाजो लाला ढंग से, एक और है अपना कैमरामैन भेज भेज तुम्हारी बहन ऑल इंडिया विख्यात कर दूंगा तुम्हें मैं। देखो ये माँ भगवतियों का उद्घाटन हो रहा था, यहाँ पे मूर्ति स्थापित हो रही थी। हाँ जी। उस समय कारीगर आया हुआ था तो उस पे काली माँ के चरण नहीं स्थापित हो रहे थे। अच्छा जी। यहाँ से माता जी की ज्वाला निकली महाराज, ये ज्वाला स्वरूप जगी हुई है, यहाँ से ज्वाला जी की ललाट निकली और आकर के भगवती में समा गई महाराज जी। और वहाँ माता लाल देवी की कृपा से और दर्शन दिए, उस कारीगर को कहा कि जैसे हमारे चरण है वैसे चरण बना, तब स्थापित होंगे यहाँ भगवती तीनों स्वरूप। तब महाराज जी इसकी कृपा से और जब वो तीन माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों के रूप स्थापित हुए यहाँ। देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे, कितना कुछ आपको देखने को मिल गया होगा। ये अमृतसर लाल देवी माता मंदिर, वैष्णो गुफा के आप दर्शन कर रहे हैं। माँ वैष्णो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हम भी आए हैं आज लुधियाना से, लुधियाना से आए हैं। अब भैरव जी के समझाएंगे महाराज जी आओ। हाँ जी। बाद भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए,
तो यहाँ माता एक परम पूज्य माता लाल देवी की कृपा से काले भैरव और गोरे भैरव दोनों विराजमान है महाराज जी यहाँ।